निश्चित तौर पर अब डबल इंजन की सरकार हो गई है और केंद्र से हम सबको काफ़ी उम्मीद है करके हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को इस बजट में विशेष सौगात। बिहार सरकार के मंत्री ने प्रधानमंत्री से इस बार के पूर्ण बजट में विशेष पैकेज की मांग कर दी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार ने इस बार पूर्ण बजट 2024 को लेकर जो है उम्मीदें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि निश्चित तौर पर इस बार के बजट में प्रधानमंत्री जो है वो बिहार को जो है बड़ी सौगात देंगे। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार। अब डबल इंजन की सरकार हो गई है और केंद्र से हम सबको काफ़ी उम्मीद है करके हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को इस बजट में विशेष सौगात दी है। देखिए, देश में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद अब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय बजट 2024 की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी। वहीं केंद्रीय बजट 2024 की तारीख की घोषणा होने के साथ ही इस बात की काफी उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही है कि वित्त मंत्री मोदी 3.0 सरकार के तहत टैक्स पेयर्स के लिए कुछ लाभों की घोषणा कर सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट में ग्रामीण आवास के लिए राज्य सब्सिडी बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 50% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि साल दो बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। इस बार बजट पेश करने के साथ ही वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। कारण, ऐसा करके वो लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएगी और इस मामले में वो मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए हैं। तौर पर अब डबल इंजन की सरकार हो गई है और केंद्र से हम सबको काफ़ी उम्मीद है करके हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को इस बजट में विशेष सौगात दी है। तो देखिए, ये थे प्रेम कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के नेता है। इन्होंने कहा है कि इस बार के जो बजट पेश होंगे इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है बिहार को नई सौगात देंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।